हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को मजा ले रहे होंगे। तो आज मैं सिखाऊंगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कन्वर्जेशन की, कैसे आप एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बना सकते हैं। एग्जामिनेशन में बहुत बहुत पूछी आती है, इसलिए निकालिए कॉपी पेन, मेरे साथ आप भी करना शुरू करिए। और आप मेरे लगातार वीडियो देख सकते हैं कि मैं आपके लिए कन्वर्जन सीरीज के लगातार वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को केमिस्ट्री बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाए, जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एंड जो भी आप कॉम्पिटिशन तैयारी करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ सके। बट मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कन्वर्जन सीखना चाहते हैं तो फॉर्मूला जरूर याद करें। फॉर्मूला नहीं याद करेंगे तो आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला है। कम से कम डेली यार पास फॉर्म तो याद कर सकते हो ना। अगर पास फॉर्मूला डेली याद करोगे तो आप समझ सकते हो कि आपकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी हो सकती है। चलिए हम लोग सीखते हैं एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। तो सबसे पहले आप आइए, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CH3COOH से बनाना क्या है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, HCOOH। तो ये सब कुछ सीखेंगे हम लोग इसी वीडियो में। तो सबसे पहले जानिए कि COOH एक ग्रुप का है, ये भी एक ग्रुप है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो दो कार्बन है उसको रिप्लेस कर सिर्फ एक आपको कार्बन में कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, CH3COOH को सिंपली करेंगे, सबसे क्या करेंगे हम लोग, कराएंगे इसको NaOH से कराएंगे, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कराने बाद क्या आएगा हमारा, CH3COONa आ जाएगा, प्लस का H2 आ जाएगा। एंड देखिए सिंपल सा, ये और ये एक साथ हो गए, बचा क्या हमारा, CH3COONa बचा। अब जब CH3COONa आएगा तो करेंगे किससे, सोडा लाइम से कराइए। तो भैया देख लीजिएगा कोई गलती ना हो, NaOH सोडा लाइम साथ कराइए, सोडा लाइम के प्रेजेंस में, यानी कि पूरा ये होता है क्या आएगा हमारा, CH4 प्लस का Na2CO3 आ गया है। अब आप देखेंगे कि हमने बड़े बहुत ही आसानी से क्या किया कि एक कार्बन को हमने फाइंड कर लिया। अब ये हो गया रिएक्शन बहुत आसान, क्या करेंगे, मेथेन की रिएक्शन कराइए आप Cl2 के साथ, क्या जाएगा हमारा CH3Cl प्लस का HCl। अब आगे हमारा CH3Cl प्लस का KOH, तो अब क्या आएगा हमारा, CH3OH आ गया, CH3OH प्लस का हमारा क्या निकलेगा, K से निकल गया। अब आप देखेंगे कि हमने एक कार्बन भी आ गया और हमारा एक O भी आ गया, जो की पॉइंट हमारा क्या था कि आप इसको कन्वर्ट करिए मेथिल अल्कोहल में। अब जब मेथिल अल्कोहल आ गया तो रिएक्शन में कुछ बचा नहीं है, बहुत ही आसान बन गई है, ऑक्सीडेशन करा देंगे। प्रेजेंस याद रखिएगा बच्चों, प्रेजेंस कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्लस का आपका H2SO4। तो क्या आएगा हमारा, CH3 नहीं आएगा, क्या आएगा, SCHO। तो SCHO प्लस का क्या आएगा हमारा, यहाँ पर H2O आ जाएगा। ये जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड जो आया है हमारा, SCHO की रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीडेशन से कराएंगे और फिर प्रेजेंस वही रहेगी, K2Cl2O7 प्लस H2O4 के प्रेजेंस रहेगी, क्या आएगा हमारा, HCOOH आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल को फाइंड कर लिया, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत बहुत पूछी आती है। बस आपको करना क्या है कि आप कॉपी पेन उठाइए और प्रैक्टिस करिए, दो तीन बार करिए, नहीं आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर बताऊंगा कैसे करनी है। तो कुछ होता नहीं है, आपसे प्रैक्टिस का ही खेल है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपको केमिस्ट्री आएगी। तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कि आप और कैसे वीडियो चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन के, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।